जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कि प्राइमरी विद्यालय से संचालित हैं, अर्थात प्राइमरी विद्यालय में संबद्ध है, उन सभी में ECCE एजुकेटर की नियुक्ति इसी महीने सितंबर में ही होनी है। ऐसा आप लोग पहले ही नोटिफिकेशन देख चुके हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका आवेदन कैसे हमको करना है, कहां से आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा कि ऑफलाइन आवेदन होगा, किस तरह से, और उनको जानकारी भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि यह भर्ती आउटसोर्सिंग से है। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए अगर आपके पास मोबाइल है तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि सारी चीजों को आप जान पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है सब कुछ आप स्वयं करेंगे, कहीं किसी के यहाँ आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी न होने की वजह से आप लोग अभी तक परेशान थे और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से लोगों का कमेंट भी आ रहा था और बहुत से लोग रोज न्यूज़पेपर पलट रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, कैसे होगी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही भरना है, लेकिन कैसे आप जानेंगे कि आपके जिले में, हम मुझसे बहुत से लोग कहे कि प्रयागराज किया जाए तो बताइएगा, कुशीनगर किया जाए तो बताइएगा, आजमगढ़ किया जाए तो बताइएगा, संत कबीर नगर किया जाए तो बताइएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप कैसे जानेंगे तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए अभी, फिर बाद में आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं उसको खोल करके पूरा डिटेल आपको दिखा दूंगा। तो आपको बता दूं कि जो सेवा आयोजन पोर्टल है, आपको पता है ना प्रत्येक जिले में सेवा आयोजन कार्यालय भी होता है और जितना भी आउटसोर्सिंग से रोजगार मेला के तहत प्राइवेट जॉब, समझ रहे ये भर्तियां होती हैं तो सब लोग वहां रजिस्टर्ड रहते हैं। अभी तो आप ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि जैसे डिग्री आपकी जितनी है, आप सेवा आयोजन कार्यालय जाते थे, फॉर्म मिलता था, अब अपना सारा डिटेल आप वहां भर देते थे। अब भरने के बाद आप पोस्ट कार्ड भी लगा देते थे और फिर सबमिट कर देते थे। तब जब मोबाइल भी सबके पास है तब की बात बता रहा हूँ, बाद में मोबाइल आया तो मोबाइल नंबर आज से फोन से भी सूचना मिलती, तो जब मोबाइल नहीं था तब वो पोस्ट कार्ड लेते थे। अब होता क्या था कि जब कोई जॉब आती थी तो आपके पास वो पोस्ट कार्ड भेज दिया जाता था, तो आपके पास जब आ जाता था तो आप जान जाते थे कि यहाँ वैकेंसी ये है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब एक डिजिटल क्रांति नहीं थी, जैसे आजकल तो डिजिटल मीडिया हो गया है तो तमाम चीजें हैं, जब नहीं था तब की बात कर रहा हूँ। बाद में मोबाइल नंबर आया तो मोबाइल पे भी मैसेज आने लगे। अब क्या है कि आप घर बैठे सेवा आयोजन पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। करना क्या होगा अभी आपको दिखाएंगे। आप उसमें सारा डिटेल अपना सारा डिटेल आप फिल कर देंगे। फिल करने के उपरांत आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, और अभी जब मैं पोर्टल खोल के दिखाऊंगा तो देखेंगे कि इतनी सारी वैकेंसियां जो कि आप सुने नहीं होंगे वो सब आपको वही पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी, किस जिले में कौन सी वैकेंसी किस। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग संविदा पे नियुक्त होकर के चले आते हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि अरे कैसे, कब फार्म भरे, कब इनका चयन हो गया। तो वह लोग यही होते हैं जो सेवा आयोजन पे रजिस्टर्ड रहते हैं, वहां उनको सारी नोटिफिकेशन मिल जाता है, ईमेल पे सूचना आ जाती है, मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है जो रजिस्टर्ड किए रहते हैं। मैक्सिमम लोग अभी आपको बता दें कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन सेवा आयोजन पोर्टल पे वह अपना डिटेल नहीं डालते हैं तो उनको सूचना भी नहीं मिल पाती है। तो वो लोग वेबसाइट से खंगालते हैं, हम जैसे लोगों का वीडियो देखते हैं तो कौन सी वैकेंसी आई कौन सी नहीं, लेकिन स्वयं भी अगर वो वहां देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बहुत सी नौकरियां हैं तो वह वहां से जान पाएंगे। रोजगार मेला लगता है विकास भवन में, अक्सर देखते होंगे, मैं तो गया तो कई बार 100-200 आदमी मिले तो पूछा क्या हो रहा है यहाँ, तो बताया कि यहाँ रोजगार मेला है या कंपनी आई हो, ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है। तो ऐसे लगने वाले लग जा रहे हैं, अब न लगने वाले जब ना जानकारी के बिना। तो आपको क्या करना, मैंने क्या बताया कि जो आपके पास पूरी डिटेल है भाई, आप गृह विज्ञान ग्रेजुएशन होना चाहिए, गृह विज्ञान नहीं है तो अन्य डिप्लोमा जो NTT आदि सिटी नर्सरी जो आदि मांगा है वो सब आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो सेवा आयोजन पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां आप अपना
प्रोफाइल बनाएंगे था तो पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ अपना डिटेल डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर जब वही जॉब की लिस्ट सब दिखाई देगी कि कौन कौन जॉब रन कर रहा है, अब वो जॉब पे जब आप क्लिक करेंगे आवेदन के लिए, तो तुरंत आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आप डालेंगे तो बहुत सी चीजें आप पहले ही फिल किए रहते हैं, सब डिटेल आपका वहां आ जाएगा। इतना आसान है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो अब आज के बाद किसी से पूछेगा कि हमारे जिले में कब भर्ती आई कब नहीं आई, समझना चाहिए, ये सब चीजें आप अभी जान लेंगे। आउटसोर्सिंग से जितनी भर्तियां होंगी, नहीं होता कि जेम पोर्टल से, ये है तमाम चीज, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। तो ये मैं इतना अच्छा आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, फर्ज बनता है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे बने रहिए, मैं पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपको करना क्या होगा, आपको गूगल में सर्च करना होगा। गूगल में आप सर्च क्या करेंगे, आप सेवा योजन सर्च करेंगे, और जब आप सेवा योजन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ देखिए ऐसे ही आपको दिखाई देगा, यहाँ देखिए सेवा योजन दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिए रोजगार संगम, तो आपको इसी पे टच करना होगा। अब आप इसको जब टच करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो ऐसे ही पोर्टल खुल करके आएगा, और जब पोर्टल खुल के आएगा तो देखिए फैमिली आईडी वाला, यहाँ देखिए गुड़े का चिन्ह लगा देंगे, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो अब आपको करना क्या होगा, तो अब यहाँ देखिए दे रहा है कि आर यू ए जॉब सीकर एम्प्लायर, तो भाई हम आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहाँ टच करना होगा, ठीक है। आप यहाँ टच करेंगे, और टच करने के उपरांत आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए मैं इसको दिखा दूँ आपको, यहाँ देखिए कह रहा है कि जॉब सीकर साइनअप, तो आप साइनअप पे आपको आपको इसको इसको टच करना होगा, ठीक है। आप इसको टच करेंगे तो देखिए सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, और लास्ट नेम है। आज पूरा पूरा विवरण जब आप यहाँ भरेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए आधार, यहाँ वेरीफाई वेरीफाई सब कर लेंगे, सब कुछ को डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब आपको यहाँ जब यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बैक में आ जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम आपको अपना डिटेल भर के करना होगा। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी उस कैफ़े वाला होगा वहाँ जा करके आप किसी भी कैफ़े पर कंप्यूटर जो चलाते हैं वो आपके आपका भर देंगे, ठीक है। और जो लोग जानकार हैं वो अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, मोबाइल में गूगल क्रोम खोल करके और उसको डेस्कटॉप साइट पे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इतना आप कर लेंगे, ठीक है, मान लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड बन गया, नहीं तो आप बनवा लीजिए कंप्यूटर किसी साइबर कैफे जा करके, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पहले तो मोबाइल में सब तो आप चेक करके अपना देख सकते हैं, ठीक है, भले ही आप उसको नहीं बना सकते हैं तो आप कंप्यूटर वाले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ सब तो आप देख ही सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ देखिए कह रहा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब रोजगार मेला, ठीक है, सब देख रहा है। तो आपको आउटसोर्सिंग वाला आपको ईसीसी वाला देखना, तो यहाँ आप जाएंगे, इसको आप टच करेंगे, इसको टच आपने किया तो आप यहाँ देखिए आपको यहाँ सारा बहुत सी दे रहा है। देखिए सर्च जॉब में आपकी नौकरियाँ, देखिए नौकरी का प्रकार है, और यहाँ देखिए वेतन, अगर आपको टच करेंगे तो सारा वेतन उससे संबंधित रहेगा कि कितना डिटेल भर करके, सेक्टर है, जिला है, शैक्षिक योग्यता है, सब कुछ डाल करके यहाँ सर्च करने का भी ऑप्शन रहता है। आप सर्च करेंगे आपकी योग्यता के आधार पर कोई जॉब है कि नहीं है वो भी आपको दिखाएगा। बाकी ये सब चीज़ें हैं, बाकी जो मेन चीज़ है यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ जॉब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ यहाँ देखिए नंबर एक, यहाँ देखिए एक जॉब यहाँ दिख रहा है, एक जनपद देवरिया, और विभाग का नाम देखिए कौन सा है, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा। अब वेतन माह कितना है, 16,119। आगे देखिए, आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ यहाँ देखिए ये दूसरा जॉब दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं ना, यहाँ दूसरा जॉब दिख रहा है, फिर यहाँ देखिए ये तीसरा जॉब दिख रहा है, चौथा जॉब दिख रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ECC एजुकेटर वाला आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी आपको यहीं सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए वो जॉब यहाँ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि अभी वो आया नहीं, जब आएगा तो यहीं आपको ऊपर ही वह देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब देखने को मिल जाएगा, अब आपने उधर अपना यूजर आईडी पासवर्ड सब बनाया ही है, तो मैं अभी किसी को टच करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी को मैं ले रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ है, जैसे अलग अलग देखा कितने आवेदन हुए हैं। अभी किसी का अगर फॉर्म सबमिट वाला रहेगा तो मैं अभी आपको उसको टच करूँगा तो दिखा दूँगा कैसे कैसे क्या है, थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ आप देखिए कह रहा है कि अच्छा जब आ जाएगा पूरा वो ECC वाला है, फिर कह रहे हैं रिक्त विवरण आवेदन कर, देखिए आवेदन करें, रिक्त विवरण है, यहाँ आवेदन करें, आवेदन करें वाले जैसे टच करेंगे, ठीक है, देखिए आप टच करेंगे, देखिए आपने टच किया, तो टच किया तो क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि लॉगिन आईडी, देखिए लॉगिन के लिए यूजर आईडी या पासवर्ड, जो कि आप पहले जब रजिस्टर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया पहले, तो आप वही डाल देंगे और सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा,
और बहुत सी चीज़ें पहले से भी रहेंगी आपका इसमें, और जो कुछ और चीज़ें उसमें मांगेगा अगर जो नहीं फिल रहेगा उसको आप फिल करेंगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा। तो आप घर बैठे ही इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना देख सकते हैं कि कब कौन सा जिले का आया है। बाकी हम लोग तो हैं ही, कोई और जानकारी होगी तो आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।